नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। स्पाइनल मस्कुलर आर्ट्रीफी नाम की बीमारी से जूझ रहे 10 महीने के अयांश को 16 करोड़ के इंजेक्शन की दरकरार है। अयांश का परिवार पिछले एक महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो पा रही है। इस बीच अयांश के पिता ने सरकार से एक और अपील की है। अयांश के पिता आलोक सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिन से हर रोज मुख्यमंत्री आवास में बात हो रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने मुलाकात नहीं की है। इसलिए आज जनता दरबार आए हैं ताकि किसी तरह से मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए। अयांश की मां ने बताया कि क्राउड फंडिंग से अभी तक 6,25,00,000 रुपए जुड़ पाए हैं, लेकिन अब क्राउड फंडिंग की रफ्तार धीरे हो गई है। पिता ने बताया कि जिस रफ्तार से पैसे जुट रहे हैं उससे बहुत दिन लग जाएंगे और डॉक्टर के मुताबिक अगर अयांश को अगले 1.5 महीने में इंजेक्शन लग जाएगा तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। अयांश के पिता आलोक सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग रहा हूं कि मेरी जमीन सरकार ले ले और कुछ अपनी ओर से मिलाकर बच्चे के इंजेक्शन की व्यवस्था करा दे। पिछले दिनों ही अयांश के परिवार वालों से आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की थी। उन्होंने 10 महीने के बच्चे को गोद में ले लिया और उसको दुलार करते हुए नजर आए। अयांश के पिता आलोक कुमार सिंह और माता नेहा सिंह से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से अपील की कि वह अयांश की मदद करने के लिए सामने आए। इससे पहले कई राजनेता भी बच्चे की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। पाटलिपुत्र से बीजेपी के सांसद राजकृपाल यादव स्पाइनल मस्कुलर आर्ट्रीफी नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित पटना के 10 महीने के अयांश की मदद की गुहार लगा चुके हैं। तो इस खबर की अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।